क्योंकि डचेस चार्टर के अनुसार किसी एक नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार टाइम 24 में। मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 5 रुपए के लाइक्स पर अरबों की ठगी। आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जिसने सोशल ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से 37 अरब रुपए ठग लिए। सोशल ट्रेडिंग के जरिए ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है जहां 700 से ज्यादा लोगों को झांसा देकर 37 अरब रुपए ठग लिए हैं। आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए बस हाथ के निशान पर माउस से क्लिक करते जाइए, एक क्लिक करने पर आपके खाते में सीधे 5 रुपए आ जाएंगे। और अगर आपके पास ज्यादा समय है तो इस क्लिक को फुल टाइम धंधा बनाकर रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हैं। दिन रात हड़तोड़ मेहनत करने वालों को एक बार तो यह सब सपना ही लगेगा, लेकिन नोएडा एसटीएफ ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को इस तरह के झांसे देकर उनसे मोटी रकम वसूल रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि इस कंपनी के ग्राहकों की संख्या 100-200 या फिर 1000-2000 नहीं बल्कि 6.5 लाख है। एसटीएफ ने ठगी के मास्टरमाइंड एबलेज इन्फो सॉल्यूशन कंपनी के डायरेक्टर अनुभव मित्तल, सीईओ श्रीधर प्रसाद और टेक्निकल हेड महेश दयाल को गिरफ्तार किया। स्पेशल टास्क फोर्स ने नोएडा की इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी के निदेशक, सीईओ और तकनीकी प्रमुख को गिरफ्तार कर इनके बैंक खाते में जमा करीब 500 करोड़ से अधिक रुपए फ्रीज कराए हैं। एसटीएफ के एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि एबलेज इन्फो सॉल्यूशन नाम की कंपनी सेक्टर 63 में अपना ऑफिस है और इस कंपनी के निदेशक से मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर 37,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अमित पाठक ने बताया कि कंपनी में सोशल ट्रेड डॉट विच के नाम से सोशल पोर्टल बनाकर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए लोगों को सदस्य बनाया गया। इसकी सदस्यता 5,000 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए तक की थी। इसमें 10% टैक्स और 5% फाइलिंग चार्ज अलग से वसूला जाता था, यानी 5,000 की सदस्यता 5,750 रुपए की होती थी। सदस्यता के हिसाब से लाइक क्लिक करने को मिलते थे, 5,000 पर 10 लाइक रोजाना और 50,000 पर 100 लाइक रोजाना। 100 लाइक पर 25 लाइक बोनस के तौर पर मिलते थे, यानी 50,000 की सदस्यता पर रोजाना 125 लाइक करने पर 625 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे। लेकिन इस 625 पर भी 15% टैक्स काटने के बाद हर सप्ताह सदस्य को पैसे दिए जाते थे। एसटीएफ की टीम ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अनुभव मित्तल पिलखवा गाजियाबाद के रहने वाले हैं, श्रीधर प्रसाद विशाखापट्टनम और महेश दयाल मथुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। टास्क फोर्स को अपनी कार्रवाई में कंपनी के कार्यालय से 6.5 लाख लोगों के फोन नंबर डाटाबेस में मिले हैं और 9 लाख लोगों के पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। कंपनी के गिरफ्तार अधिकारियों में निदेशक अनुभव मित्तल, सीईओ श्रीधर प्रसाद और तकनीकी प्रमुख महेश शामिल हैं। एसटीएफ ने बताया कि ये लोग खुद ही फर्जी कंपनियों के विज्ञापन तैयार करके पोर्टल पर डालते थे और सदस्य से ली रकम को ही सदस्य में बांटते थे। एसएसपी ने बताया कि सरकारी जांच एजेंसी से बचने के लिए यह कंपनी 1 माह से लगातार नाम बदल रही थी। पहले सोशल ट्रेड विज, फिर freehub.com से fanjup.com, intmart.com और 3w.com के नाम से यह कंपनी लोगों से धोखाधड़ी कर रही थी। खास बात तो यह है कि इस कंपनी की जाल में आम आदमी से लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी, डॉक्टर और वकील भी शामिल हैं। पिलखुआ के ही अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पिलखुआ में हर घर में लाइक करने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को लाइक करने को ही एक नया धंधा बना लिया है। ये लोग 1 लाइक पर 50 पैसे वसूलते हैं, यानी अगर आपके पास समय की कमी है या फिर घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो इन लोगों से संपर्क करके अपने लाइक को आगे बढ़ा सकते हैं। उधर कंपनी के निदेशक अनुभव मित्तल का कहना है कि उन्होंने कोई घपला नहीं किया है, सारा हिसाब किताब ऑनलाइन रिकॉर्ड में है और उनके इस लेन देन का पूरा टैक्स सरकार को भरा जाता है और मुनाफे को सदस्य को बांटा जाता है, कोई भी चीज छिपी नहीं है। मैम, आपको इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला? इस कंपनी के बारे में हमारे जो रिलेटिव हैं उन्होंने हमें बताया, और हमारे मेरे रिलेटिव के एक फ्रेंड हैं जो कि उनके साथ पहले काम कर चुके हैं मैक्स न्यूज लाइफ में, तो उन्होंने ही हमें बताया कि उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है, उन्हें ज्वाइन किए हुए 3 महीने हुए हैं, तो अच्छी कंपनी है, अगर आप इसमें इतना पैसा लगाते हो तो आप अच्छा रिटर्न पाओगे। ये एक्चुअली इसमें आपको अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे आपने इसमें अगर 11,500 से अपना पैसा लगाया है तो इसमें
आपको 11,500 लगाने पर आपको इसमें सिर्फ एक आईडी मिलती है और आप एक अपनी आईडी से दो आईडी खरीद सकते हो। जैसे आपके पास एक पैन कार्ड है, पैन कार्ड से आप दो आईडी खरीद सकते हो। तो इसमें 11,500 वाली मैंने आईडी ली थी जिसमें कि मुझे अभी तक ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। मैं डेली बेसिस पे अगर मैं इस पे काम करती हूँ, जैसे टास्क आते हैं डेली बेसिस पे, 5 रुपये का पर क्लिक टास्क होता है, तो पर क्लिक पे मुझे 5 रुपये मिलते हैं और मेरे डेली बेसिस पे 20 क्लिक्स आते हैं, तो उन्हें 12 बजे से पहले ही ख़त्म करना होता है। 12 बजे डे मतलब रात के 12 बजे से पहले, तो नेक्स्ट डे आपको खत्म करना हो। जी, ये थी हमारे साथ पूजा जी, जिन्होंने एवलेज इन्फो सॉल्यूशन कंपनी में अपना पैसा लगाया था। इनका कहना है कि इन्हें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया। कंपनी के डायरेक्टर अभिनव मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर किस तरह के कड़े कदम उठाती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश झा के साथ पूजा चौरसिया, समाचार टाइम 24, नोएडा। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि ये सब झूठ है, हमारा कोई पैसा नहीं फंसा है, हर महीने पेमेंट मिलती है। जिसने भी कंप्लेंट की है, इस बात की पूरी जांच कराई जाए। अगर अनुभव मित्तल दोषी हैं तो उन्हें सजा दी जाए, और अगर वो दोषी नहीं है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने कंप्लेंट की है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक कंपनी ने लोगों से लाइक्स के बहाने 37 अरब की ठगी कर ली। बच के रहिएगा, कहीं आप भी किसी इस तरह की कंपनी की जाल में ना फंस जाएं। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए समाचार टाइम 24। नमस्कार।